Hey guys, welcome back to my YouTube channel. In this video I am going to tell you the concept of photo editing, lockdown photo editing. So agar aap log mere channel pe naye ho to subscribe kar dena aur bell notification ko daba kar all pakad lena taki har update aapko time pe milti rahe. Aur agar aapne aise ki photo editing seekhni hai to aakhir tak dekhna video ko aur like kar dena video ko. Like target hai 20, so let's jump into the video. To pehle aapne PicsArt mein kuch is tarike ka khol lena hai. क्या नाम होता है, बैकग्राउंड डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स हैं बैकग्राउंड के. क्रॉप पे जाकर, टूल्स पर जाकर, क्रॉप पर जाकर आपने पोर्ट्रेट का ऑप्शन कर लेना है सेलेक्ट. ये कर आपने जाना है ऐड फोटो पर. ऐड फोटो पर जाकर यहाँ पर एक आपको पीएनजी मिलेगा पाकिस्तान का मैप जो कि ब्लैक कलर में है, इसको आपने कर लेना है. इंडिया का मैप भी मिल जाएगा और पाकिस्तान का भी मिल जाएगा, जिसने एडिटिंग करनी हो वो कर सकता है. और ये कर यहाँ पर ये मैंने इसकी थोड़ी जो ब्राइटनेस है ओपेसिटी वो 20% कर दी है, तो आप लोग भी 20% रखना. और इसको टिक करके आपको एक डिस्क्रिप्शन में बहुत सी पीएनजी मिलेंगी, सारी डाउनलोड कर लेना. और यहाँ पर ये एक चेन होगी, जंजीर टाइप चेन की पीएनजी होगी, इसको आपने एडजस्ट कर लेना है. और जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा उसको ना, ये देखो मैं इरेज कर देता हूँ, इरेज कर देना है. एक्स्ट्रा पार्ट को लाजमी इरेज करना वरना वो गंदा सही लगेगा, प्रोफेशनल लुक नहीं आती, रियल नहीं लगेगी पिक्चर. रियल तो वैसे नहीं लगेगी क्योंकि पता चल ही रहा है कि देता है, लेकिन फिर भी चलें थोड़ा रियलिस्टिक बनना चाहिए. फिर जाना है ब्लेंड पर जाके इसको मल्टीप्लाई कर देना है इसकी ब्लेंड को, और फिर ओपेसिटी कर लेनी है 66%. और फिर आपने जाना है ऐड फोटो पे. ऐड फोटो में जाकर फिर से वही चेन का कर लेना है पीएनजी ओपन. चेन का पीएनजी मैं ढूंढ रहा हूँ, मिल गया मुझे. चेन का पीएनजी ओपन करके आपने कुछ इस तरीके से सेट कर लेना है. और इसका भी वही सेम प्रोसीजर है, इसको यहाँ से रेज करना है, फिर ब्लेंड पर जाकर मल्टीप्लाई करके ओपेसिटी, दोनों की सेम ओपेसिटी होनी चाहिए वरना सही नहीं रहेगा. यहाँ करके फिर आपने जाना है एक, ये मिलेगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जैसे कॉशन की टेप्स लगाई होती हैं ऐसे, कोरोना लॉकडाउन लगा हुआ है जैसे, तो उसकी लगाई हैं टेप्स. ये मैंने एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और भी बहुत सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में ही हैं. इसको ऐड करके आपने एक और मिलेगी आपको चिट, एक और टेप टाइप मिलेगी ये, इसको आपने नीचे ले जाना है. और इसको ना इस तरीके से रखना है कि बस जो साइड वाला राइट हैंड साइड तक का जो स्टे होम है ना, बस वही शो हो और सारा बस अंदर नीचे रहे ऐसे ऐसे आपने करके. तो फिर से जाना है ऐड फोटो वाले ऑप्शन पर. ऐड फोटो वाले ऑप्शन पर जाके आपने अपने करेक्टर को ऐड कर लेना, जैसे मैंने अपने करेक्टर को ऐड कर लिया, मेरी अपनी पिक्चर है. और अगर आपने इसका फाइनल रिजल्ट देखना तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिए. इसको यहाँ पर सही कट आउट नहीं हुआ हुआ ये मेरा, तो मैं इसको सही तरह कट आउट कर लेता हूँ, ज़रा इरेज कर देता हूँ मैं इसे. हाँ जी, तो ये फुल कटआउट कैसे करते हैं उसकी वीडियो आ जाएगी जल्दी. ये करके आपने क्या करना है, इसको कर देना है टिक. टिक करने के बाद आपने फिर से जाना है ऐड फोटो में. ऐड फोटो पर जाकर आपने लेना है एक पीएनजी होगा, ये क्या नाम होता है, स्टे होम हाउस बना होगा एक, ये भी डाउनलोड कर लेना. इसको लेफ्ट हैंड साइड के टॉप कॉर्नर पर आपने एडजस्ट करके इसकी ओपेसिटी कर लेनी है 50%. तो ये कुछ इस तरीके का लगेगा. फिर ऐड फोटो पर जाकर आपको एक कॉशन टाइप ही एक टेप मिलेगी कॉशन की, तो वो ऐड कर लेनी है आपने. ये देखें लॉकडाउन की, इसको डबल डुप्लीकेट कर लेना है, थ्री टू लेयर्स पे क्लिक करके डुप्लीकेट करके इसको फ्लिप कर लेना है एक को थर्ड वाले ऑप्शन पर करके, ताकि वो एक इस तरफ का हो जाए और एक इस तरफ का हो जाए, ताकि इस तरफ का मतलब कि एक राइट हैंड साइड की तरफ का मुंह हो जाए और एक लेफ्ट हैंड साइड का तरफ मुंह हो जाए. तो यहाँ पे इसका भी एक्स्ट्रा पार्ट जो है बॉडी के बाहर उसको क्लिक कर लेना है. और एक ये शेडो होगी इसके साथ, इसको भी लाजमी क्लिक क्लियर कर लेना इरेज से, वरना प्रोफेशनल लुक नहीं आती पिक्चर की. छोटी छोटी चीज़ों को रखना होता ध्यान, वरना प्रोफेशनल लुक नहीं आती पिक्चर की. इसको भी वैसे ही करना है, इसकी भी शेडो कर लेनी है साफ, मैंने शेडो कर ली है. फिर जाना है ऐड फोटो वाले ऑप्शन पर. ऐड फोटो पर जाकर आपने ऐड कर लेना है एक, ये कॉशन की टेप्स हैं, ये अब कॉशन है, पहले कोरोना लिखा था ये अब कॉशन है. तो इसको आपने कुछ इस तरीके से रख लेना है और इसकी ओपेसिटी फुली रखनी है.
और इसको टिक कर देना। लेकिन ये अभी भी येलो येलो थोड़ा चमक रहा है ना, तो वो इतना अच्छा नहीं लग रहा। तो डिस्क्रिप्शन में एक शेडो या पीएनजी मिलेगा ये कुछ इस तरीके का। तो ये अब देखें कितना कोई मज़े की लुक ला रहा है। और फिर आपने अब जाना है, अब थोड़ा सी काम रह गया, अब जाना है ड्रॉ टूल पर। ड्रॉ टूल पर जाकर आपने ये कलर वाला ऑप्शन जो है राइट हैंड साइड के टॉप कॉर्नर पर, इसको वाइट सेट करके ब्रश की देख लें, साइज अपने हिसाब से रख सकते हैं। ओपेसिटी 30% होनी चाहिए और हार्डनेस 1%। और जहाँ जहाँ आप कपड़े पे अपने शाइन चाहिए वहाँ वहाँ आप बना सकते हैं। तो मैं सही तरह करता हूँ, यहाँ पर आपने ऐसे कर लिया, ये बाजुओं पर कर लिया, नीचे हाथ सारे बाजुओं पर कर लिया, मगर ये जो लॉकडाउन का है इस पर नहीं आना चाहिए। और इसका मैंने कर लिया, ये करके मैं अपने बालों पे भी आपने कर लेना है, और मैंने अपनी थोड़ी चीक्स पे भी कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने करके, तो फिर आपने जाना है ये लेफ्ट हैंड साइड पे थर्ड वाला पार्ट है, इस पर जाकर इसकी आपने कर लेनी है ब्लेंडिंग ओवरले। तो देखें शाइन आ रही है हल्की हल्की, तो इससे हमारी वीडियो, इससे हमारी पिक्चर थोड़ी लगेगी रियलिस्टिक। ये मैं बताता हूँ, ये देखें कितना फ़र्क है। तो बस फिर आपने इसको करके कर लेना है, फिर जाना है ड्रॉ टूल पर। ड्रॉ टूल पर जाकर थ्री डॉट पर करके, पहले आप अगर क्रेडिट देना चाहते हैं तो क्रेडिट भी दे सकते हैं। मैंने जैसे यहाँ पर लिख लिया मेड बाय दानियाल, मेड बाय दानियाल लिख के मैंने कर दिया है जी। इसको क्या नाम होता है, इसका कलर कर दूंगा मैं ब्लैक, इसका ब्लैक कलर करके ये मैंने लिख दिया। इसका मैं करके ब्लैक कलर, इसको मैं कर दूंगा ऊपर रख के ब्लैक कलर करके, और इसकी स्ट्रोक्स जो होंगी वो मैं सीएन कलर की रखूँगा। सीएन कलर आपको नहीं पता तो ये वाला होता है बस, हाँ ब्लू। तो इसको बस आपने अब कर लेना है थ्री डॉट्स पर जाकर सेव, ड्रॉप टूल पर जाकर थ्री डॉट्स पर क्लिक करके सेव कर लेना है पिक्चर को। तो यही थी बस थोड़ी सी वीडियो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।